नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ। तो कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, लेटर पे लेटर जारी किए जाने लग रहे हैं। प्रदेश सरकार ने फिर मांगा कच्चे कर्मचारियों का ब्यौरा। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को जो है पत्र भेजा है और सभी का डाटा मांगा है। यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ मैं लेटर जो जारी हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इमीडिएट डेट बॉन्ड अंडर रिमाइंडर डाला गया है, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भेजा गया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑल डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्टुअल एम्प्लॉई हु आर वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन मोर देन 5 to 7 ईयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं चेक ग्रुप बी का कर्मचारी हो, सी का कर्मचारी हो, डी का कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक के तहत जो लगा हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टुअल एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टुअल एम्प्लॉय वर्किंग मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा काम करने वालों का डाटा मांगा है, 7 से 10 साल काम करने वालों का डाटा मांगा गया है और 5 से 7 साल काम करने वालों का डाटा मांगा गया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक वालों का मांगा है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट दो का मांगा है और हार्टोन आईटी पॉलिसी अदर देन आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 and 2 एक्सेप्ट एच कैरन हरियाणा कौशल वालों का ही मांगा गया है और इनसे को छोड़कर इनसे अलग पॉलिसी का कोई डाटा नहीं दिया देना है। तो ये डाटे मांगे गए हैं ग्रुप बी सी डी, ठीक है, चाहे ग्रुप में बी का कर्मचारी हो, चाहे सी का हो, चाहे डी का कर्मचारी हो। सरकार लगातार प्रयासरत है और जल्द ही आपको विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उससे पहले ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करते हुए सरकार दिखाई देगी। देखने का मुद्दा ये रहेगा कि 10 साल वाले शामिल किए जाते हैं या 7 से 10 वाले शामिल किए जाते हैं या 5 से 7 वाले शामिल किए जाते हैं। अगर 5 से 7 वाले शामिल किए जाते हैं तो कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये देखने का मुद्दा रहेगा। अगर 10 साल वाले ही पक्के किए जाते हैं तो लगभग 22,000 कर्मचारी कच्चे हैं जो वो पक्के होंगे। तो अब जो है सरकार पॉलिसी किस तरीके से लेके आती है, कितने साल वालों को पक्का करेगी, ये देखने का जो मुख्य मुद्दा रहेगा। और पॉलिसी अगर एक बार लागू हो जाती है, जैसे 2024 की जो ये पॉलिसी बन के आएगी, तो उस हिसाब से जैसे ही कर्मचारी अपनी एज पूरी करते रहेंगे वो पक्के कर दिए जाएंगे, नहीं तो वो कोर्ट की शरण ले सकेंगे। द इंफॉर्मेशन रिटन कॉन्ट्रैक्टुअल एम्प्लॉई हु एंगेज्ड पोर्टेड इन एच कैरन हैज़ बीन साउट फ्रॉम एच कैरन डायरेक्टली। जो एच कैरन का जो डाटा है, जो एच कैरन में पोर्ट कर दिए गए हैं, उनका डाटा एच कैरन पोर्टल से जो है डायरेक्टली ले लिया जाएगा। द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिश्यूड ओनली फ्रॉम ए फ्यू डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मोस्ट एंड ऑफ डिपार्टमेंट्स बोर्ड कॉरपोरेशन इज स्टिल अवेटेड। तो बहुत से डिपार्टमेंटों ने तो जो डाटा भेज दिया है, बहुत से डिपार्टमेंटों का डाटे का इंतज़ार है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार को पॉलिसी लेके ही आनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के सख्त आदेश हैं। 2003 वाली पॉलिसी पे तो हैं ही, साथ में जो 2014 की पॉलिसी के बेस पे केस किए हुए हैं कि हम 10 साल से ज़्यादा नौकरी कर चुके हैं, तो इस कारण उस पर भी इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से जल्दी कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लेके आएँ, जिसमें 58 साल के लिए जो है नौकरी को सिक्योर करने के लिए सरकार अलग से कैडर बनाना चाहती थी लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, हर अपडेट आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को प्रेस कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी।